नमस्कार मित्रों, जीके एग्जाम में आपका हार्दिक अभिनंदन है। आज हम इस वीडियो में राजस्थान हाई कोर्ट के राजस्थान सामान्य ज्ञान के बड़े महत्वपूर्ण क्वेश्चंस पढ़ेंगे। दोस्तों, आज की वीडियो में कुछ खास है। आज आपको कुछ ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे देखने को इस वीडियो के अंदर, जो आपने शायद आज तक कभी नहीं पढ़े होंगे। किसी बुक में भी आपको क्वेश्चन शायद नहीं मिलेंगे। एकदम राजस्थान हाई कोर्ट के सिलेबस के अकॉर्डिंग क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डीपली लिए हैं, इसलिए आपको किसी बुक में आपको शायद आसानी से मिलेंगे भी नहीं वो आपको। ठीक है, अगर आपने अच्छी तैयारी की है बहुत अच्छी, तो शायद वो क्वेश्चन आपको आते हैं, पर मोस्टली क्वेश्चन वो सारे स्टूडेंट को नहीं आएंगे। ठीक है, शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्न में से कौन सा पाकिस्तान का एक जिला राजस्थान सीमा पर स्थित नहीं है? मीरपुर, लायलपुर, खैरपुर और बहावलपुर। क्या राइट आंसर रहेगा दोस्तों? साथ साथ में कमेंट करते रहिए, जल्दी जल्दी कमेंट करना दोस्तों, और जब वीडियो ख़त्म हो तो बताना आपके कुल कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, पसंद आए तो शेयर करना। जो दोस्त चैनल पर नए, चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन दबाना, ऑल पर क्लिक करना, ताकि जैसे ही वीडियो अपलोड करें सबसे पहले आपको मिल जाए। दोस्तों, क्वेश्चन नंबर एक का राइट आंसर क्या रहेगा? लायलपुर। दो नंबर ऑप्शन क्वेश्चन नंबर एक का एकदम राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर दो। खस विशेषकर उत्पादित होता है भरतपुर में, चित्तौड़गढ़ में, डूंगरपुर में और उदयपुर में। क्या राइट आंसर रहेगा दोस्तों, बताइए जल्दी से कमेंट कीजिए साथ साथ में। खस विशेषकर उत्पादित होता है, कहाँ होता है? तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा दोस्तों? भरतपुर में। एक नंबर ऑप्शन क्वेश्चन नंबर दो का एकदम राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर तीन। अकबर की शाही सेना ने किसके नेतृत्व में जोधपुर पर कब्जा किया? अबुल फजल, हुसैन कुली खान, मानसिंह और बंदायूनी। क्या राइट आंसर रहेगा दोस्तों? अकबर की शाही सेना ने किसके नेतृत्व में जोधपुर पर कब्जा किया? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर तीन का? हुसैन कुली खान। क्वेश्चन नंबर तीन का दो नंबर ऑप्शन एकदम राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर चार। निम्नलिखित में से किस विद्वान के अनुसार राजपूतों की उत्पत्ति अग्निकुंड से हुई थी? कविचंद बरदाई, डॉक्टर दशरथ शर्मा, श्री गौरीशंकर ओझा और डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा। क्या राइट आंसर रहेगा दोस्तों? जल्दी से कमेंट कीजिए, साथ साथ में कमेंट करते रहिए। किसके अनुसार राजपूतों की उत्पत्ति अग्निकुंड से हुई? तो राइट आंसर क्या रहेगा क्वेश्चन नंबर चार का? कवि चंद्र बरदाई। चार नंबर क्वेश्चन का एक नंबर ऑप्शन एकदम राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर पाँच। वागड़ के गांधी के रूप में किसे जाना जाता है? भोगीलाल पांड्या, माणिक्यलाल वर्मा, भूरेलाल बया और शोभालाल गुप्ता। क्या राइट आंसर हो जाएगा? वागड़ के गांधी के रूप में किसे जानते हैं? तो क्वेश्चन नंबर पाँच का राइट आंसर क्या रहेगा? भोगीलाल पांड्या को। एक नंबर ऑप्शन क्वेश्चन नंबर पाँच का एकदम राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर सिक्स। पृथ्वीराज राठौड़ द्वारा रचित पुस्तक वेली कृष्ण रुक्मणी री किस भाषा में लिखी गई है? मारवाड़ी, संस्कृत, डिंगल और पिंगल। क्या राइट आंसर रहेगा दोस्तों? कौन सी भाषा में लिखी गई है वेली कृष्ण रुक्मणी री? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों ये भी। तो क्वेश्चन नंबर छः का राइट आंसर क्या रहेगा दोस्तों? डिंगल में। तीन नंबर ऑप्शन क्वेश्चन नंबर छः का एकदम राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर सात। कोटा के किस शासक के काल में शिकार का चित्रण कोटा शैली का प्रतीक बना? महाराव भीम सिंह, राम माधो सिंह, राजा उमेद सिंह और राजा राम सिंह। क्या राइट आंसर रहेगा? कोटा के किस शासक के काल में शिकार का चित्रण कोटा शैली का प्रतीक बना? तो क्वेश्चन नंबर सात का राइट आंसर क्या रहेगा? राजा उम्मेद सिंह। क्वेश्चन नंबर सात का तीन नंबर ऑप्शन एकदम राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर आठ। मांडव ऋषि की तपोस्थली मांडकला के 16 प्राचीन मंदिर स्थित है कहाँ में? कहाँ पर स्थित है? बीकानेर में, टोंक में, जोधपुर में और धौलपुर में, या धौलपुर रहेगा, धौलपुर में। तो मांडव ऋषि के तपोस्थली मांडकला के 16 प्राचीन मंदिर कौन सी जगह स्थित है? तो क्वेश्चन नंबर आठ का राइट आंसर क्या रहेगा? जल्दी जल्दी कमेंट कीजिए दोस्तों, बहुत बढ़िया है, एकदम सही है, आपका भी सही है, जल्दी जल्दी कमेंट करते रहिए। तो कहाँ पर स्थित है दोस्तों? क्वेश्चन नंबर आठ का राइट आंसर क्या होगा? टोंक में स्थित है। दो नंबर ऑप्शन क्वेश्चन नंबर आठ का एकदम राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर नाइन। देखिए दोस्तों, ये क्वेश्चन जैसे मैंने बताया था वैसे ये क्वेश्चन है। तोड़ियो किसे कहा जाता है? ऊंट का बच्चा, एक आदिवासी पोशाक, कैंची से काम करने की कला या हरी साग सब्जी को।
बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, आपको शायद ही आपने कहीं पढ़ा होगा ये, कहीं अच्छी तैयारी तो ही आपको ये मिलेगा, अदरवाइज किसी बुक में तो आपको ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ग्रुप में शायद ही मिलेगा। तोड़ियो किसे कहा जाता है? थोड़ा सा टाइम है, बताइए, सोच के बताना, क्योंकि आज आपके बहुत सारे क्वेश्चन गलत हो सकते हैं। तोड़ियो किसे कहा जाता है? तो राइट आंसर क्या रहेगा? ऊँट का बच्चा, एक नंबर ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 9 का एकदम राइट रहेगा। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आ रहा है, आपको ये PDF फाइल चाहिए, मैं डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप 5 का लिंक दे रहा हूँ। जिन दोस्तों ने 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर और 4 नंबर व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है, वही ज्वाइन करना। जिन्होंने ज्वाइन कर रखा वो ज्वाइन ना करें, ताकि आप ये सोच रहे हैं कि सभी में अलग अलग PDF फाइल है, तो ऐसा नहीं है, सब में एक ही जैसी फाइल रहती है। तो आप एक ही ग्रुप ज्वाइन करें, जिन्होंने नहीं किया वो 5 नंबर ग्रुप ज्वाइन कर लेना। नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रहा हूँ व्हाट्सएप ग्रुप 5 का। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। निम्न में से किस देवी को शिशु रक्षक लोक देवी माना जाता है? छिंच माता, घेवर माता, चौथ माता और महामाया माता। क्या राइट आंसर रहेगा दोस्तों? कौन सी देवी को शिशु रक्षक लोक देवी माना जाता है? तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा? महामाया माता। 4 नंबर ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 10 का एकदम राइट रहेगा। दोस्तों किसी क्वेश्चन में डाउट है कमेंट करना, कोई सुझाव है तो कमेंट करना। गलती होगी हमारी तो हम अगले वीडियो में आपको जरूर बताएंगे और आपका नाम भी आएगा, तो जरूर बताना कमेंट करके। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं क्वेश्चन नंबर 11। ये क्वेश्चन भी देखो आप, ओबरी किसे कहा जाता है? बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। गायों को रखने का बाड़ा, अनाज रखने की मिट्टी की होद, दूध देना बंद करने वाली गाय या भैंस को, या पशुओं को डालने का सूखा चारा। आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग है दोस्तों, आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन नहीं है। जो मैंने पहले कराया था वो वाला क्वेश्चन, तोड़िया किसे कहते हैं और ये वाला ओबरी किसे कहते हैं, दोनों क्वेश्चन आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग है। किसे कहते हैं ओबरी, बताइए जल्दी से कमेंट कीजिए। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 11 का राइट आंसर क्या होगा? अनाज रखने की मिट्टी की होद। 2 नंबर ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 11 का एकदम राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं क्वेश्चन नंबर 12। चोलागढ़ देवी का मेला राजस्थान के किस जिले में भरता है? जोधपुर जिले में, जयपुर जिले में, अलवर जिले में या फिर अजमेर जिले में? बताइए दोस्तों चोलागढ़ देवी का मेला राजस्थान के किस जिले में भरता है? तो क्वेश्चन नंबर 12 का राइट आंसर क्या रहेगा? अलवर जिले में। 3 नंबर ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 12 का एकदम राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं क्वेश्चन नंबर 13। ये क्वेश्चन देखिए वापस, थली किसे कहते हैं? घर के दरवाजे का स्थान, पानी छानने का वस्त्र, पशुओं का गोबर रखने का ढेर और दही मथने पर काम में आने वाली, नहीं सॉरी, दही मथने पर आने वाली आवाज़ किसे कहते हैं? दोस्तों इस टाइप की जो मैंने अभी आपको 3 क्वेश्चन बताए, ओबरी किसे कहते हैं, तोड़िया किसे कहते हैं और अभी ये थली किसे कहते हैं, सिलेबस के अकॉर्डिंग क्वेश्चन। अगर आपको इस टाइप की क्वेश्चन भी पसंद आ रहे तो बताना, मैं कोशिश करूँगा हर वीडियो में आपको 1-2 क्वेश्चन ऐसे देखने को मिले, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। करीब ये हमारी चलना ऐसे दोस्तों 50 से ज़्यादा क्वेश्चन ऐसे जो आपके एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है और शायद आपने हर कहीं पढ़े ही नहीं होंगे वो। तो थली किसे कहते हैं? तो राइट आंसर क्या रहेगा? घर के दरवाजे का स्थान। 1 नंबर ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 13 का एकदम राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसे ढाली किसे कहते हैं? मिर्च पीसने का सिलबट्टा, पत्थर की बनी हाथ की चोटी, छोटी चक्की है, या यहाँ पे दोस्तों ये चोटी आ गए, मिसप्रिंट हुआ, छोटी चक्की रहेगा यहाँ पे। चारा लाने और ले जाने का बड़ा उपकरण और मिर्च मसाले रखने का पात्र, ढाली किसे कहते हैं? बताइए दोस्तों, मुझे लग रहा है आज पक्का आपके 3 या 4 क्वेश्चन जो मैंने लिए लगभग सभी बच्चों के गलत होंगे। वीडियो पसंद आ रहा है दोस्तों आपको, आज वाला वीडियो में कुछ भी अच्छा लगा, ये चीज़ अच्छी लगी है तो लाइक करना, आप नहीं लगी अच्छी तो कोई बात नहीं। ढाली किसे कहते हैं? राइट आंसर क्या रहेगा दोस्तों? चारा लाने ले जाने का बड़ा उपकरण, उसे ढाली कहते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन का 3 नंबर ऑप्शन एकदम राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं क्वेश्चन नंबर 15। घिलड़ी किसे कहते हैं? ये शायद आपने सुना होगा, कच्चे सूत का धागा, मोली का धागा, पीने का पानी रखने की ताक और घी रखने का पात्र, घिलड़ी किसे कहते हैं? ये शायद लगभग सभी बच्चों का जो मारवाड़ी क्षेत्र से बिलोंग करते हैं उनका सभी का सही आएगा, घिलड़ी किसे कहते हैं? तो क्वेश्चन नंबर 15 राइट आंसर क्या रहेगा दोस्तों? घी रखने का पात्र। 4 नंबर ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 15 का एकदम राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। मोहम्मद शाह और साहिब राम किस राजस्थानी चित्रकला शैली के प्रसिद्ध चित्रकार थे? अलवर, जयपुर, उदयपुर और बूंदी। क्या राइट आंसर रहेगा बताइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 16 का? तो इसका राइट आंसर रहेगा दोस्तों जयपुर।
जयपुर शैली के राजस्थान चित्रकला शैली के प्रसिद्ध चित्रकार थे, कहाँ के थे? जयपुर राजस्थान चित्रकला। दो नंबर ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 16 का एकदम राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17, अजरक प्रिंट का संबंध है बगरू से, बाड़मेर से, पाली से या फिर बालोतरा से। क्या राइट आंसर रहेगा? अजरक प्रिंट का संबंध है बाड़मेर से। क्वेश्चन नंबर 17 का दो नंबर ऑप्शन एकदम राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18, प्रशासनिक कार्यों में हिंदी भाषा के प्रयोग को अनिवार्य करने के लिए राजस्थान राजभाषा अधिनियम कब पारित किया गया? सन 1967 में, सन 1969 में, 1970 में और 1956 में। क्या राइट आंसर है दोस्तों? कब पारित किया गया राजस्थान राजभाषा अधिनियम? 1967, 1969, 1970 और 1956। क्या राइट आंसर रहेगा क्वेश्चन नंबर 18 का? सन 1967 में। एक नंबर ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 18 का एकदम राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं क्वेश्चन नंबर 19, अक्कल कोई के बाप की कोनी कहावत या मुहावरे का अर्थ है। चार ऑप्शन है, जल्दी से पढ़ लीजिए। क्या राइट आंसर रहेगा? अक्कल कोई के बाप की कोनी कहावत या मुहावरे का अर्थ है। तो राइट आंसर क्या रहेगा? बुद्धि किसी की बपोती नहीं है। क्वेश्चन नंबर 19 का दो नंबर ऑप्शन एकदम राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20, डूंगरपुर राज्य प्रजामंडल की स्थापना कब हुई थी? 1943 में, 1944, 1945 और 1946 ईस्वी। कब हुई थी डूंगरपुर राज्य प्रजामंडल की स्थापना? जल्दी से बताइए। 1943, 1944, 1945 और 1946 में। तो राइट आंसर क्या रहेगा? 1944 में। क्वेश्चन नंबर 20 का दो नंबर ऑप्शन एकदम राइट रहेगा। जल्दी से बताइए दोस्तों, 20 में से आपके कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं, जल्दी से बताना एकदम ईमानदारी से। दोस्तों वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आया आपको कहीं से भी, या आज हमने चार क्वेश्चन आपको नए कराए हैं, वो चीज़ भी पसंद आई है, तो आप कमेंट करना, बताना कि ये चीज़ आगे भी हम फिर रिपीट करने की कोशिश करेंगे। और वीडियो पसंद आया है तो लाइक कर देना, और दोस्तों शेयर तो जरूर करना इसको, और जो दोस्त नए हैं चैनल पे सब्सक्राइब करना, बेल आइकन दबाना, ऑल पे क्लिक करना, ताकि जैसे हम वीडियो अपलोड करें आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल जाए। तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, और आप सभी मित्रों का बहुत बहुत धन्यवाद।